भजन संहिता अध्याय 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांस तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा, कब तक अपने दासों पर तरस खा? भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन।